अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमित जिंदल हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टैसट की तैयारी के लिए चैनल में जरूर सबसक्राइब करो। अज की वीडियो के गल करांगे कविता समकालिया तारा सिंह कामल की रचना साहित्यिक किरणा एक बुक के जो नौवीं जमात की वो दर्ज है। यह रचना हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टैसट लैवल 2 तो लैवल 3 दोवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं जी अज की वीडियो। सब तो पहला आप कवि के बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि का नाम है तारा सिंह कामल। इन्हां दा जन्म होया सी जी पिंड हुकड़ा जिला हुशियारपुर पंजाब दे विच। कविता दी इन्हां नूं रब्बी दात प्राप्त हुई है। आधुनिक पंजाबी दे कवि ने। इन्हां ने कविता नूं सरल बनाउण दी कोशिश कीती है। बौद्धिक कविता जदों इन्हां ने रची है उन्हां ने सुरताल अते काव्य सुहज दा पूरा ध्यान रखिया है। प्रमुख रचनावां ने सिम दे पत्थर, मेघले, असी तुसी, सूरज दा लैटर बॉक्स, कहकशां अते डोल दे पानी। हुण कविता पढ़न तो पहला आपां इन्हां दी टिप्पणी दे बारे जानदे आं, फिर आपां नूं कविता जो चंगी तरह समझ आ जाएगी। तो इस रचना दे विच कवि ने कवि दा जो काव्य संग्रह है सूरज दा लैटर बक्स उहदे विचों इह रचना लई गई है। कवि अपने समकालियां नूं, अपने हानियां नूं, अपने नाल वालियां नूं सद्दा दे रहा है कि आओ दुनिया दे विच इस तरह मिल जुल के रहीए जिवें पानी विच पानी मिल के इक मिक हो जांदा है, जिवें गुलाब अपनी खुशबोई दे नाल सारा आला दुआला अते उदास मनां नूं महका दिंदा। उदास मन भी ने जो वो गुलाब की महक पा के खिल जांदे ने। कहिंदे इस तरह सानू सभनां नूं बिना किसी वितकरे दे खुशियां नूं वंडना चाहिंदा है। ये खुशियां ने जो वो उदास मनां नूं, दुखी मनां नूं प्यार भरे दिलासियां वांग महसूस होण, जो वह नरोया अते खेड़ियां भरिया जीवन जी सकन। ये खुशियां भरी सुगंधी निरस्वार्थ हो के सारे दुखां नूं खत्म कर देवे। कवि अपने समकालियां तो यही इच्छा रखदा है कि असी अपनी कलम दे हुनर नाल समाज नूं सकारात्मक अते सूहज विचार दे सकदे हां। सब नाल रल मिल के रहिए, कदे भी ना पक्खी माहौल ना होवे, इक जिही चंगेरे अते सूहज विचार सुगंधी बन के सभां दे मनां दे विच वस जाण ते मिलजुल के रहन दी प्रेरणा देन। तां प्यारे विद्यार्थियों इहदे विचों भी प्रश्न पुछा गया सी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टैसट दे विच, दस्सांगे तुहानूं। शुरू करदे हां जी कविता। आवो यारो दुनिया अंदर इदां रच मिच जाइए, ज्यों पानी विच पानी मिलदा इक मूरत हो जाइए। तां इन्हां सत्रां दे विच कवि कह रहा, कहिंदे आवो यारो अपने समकालियां नूं कह रहा जिहड़े इक्को समें दे ने, कहिंदे आओ यारो आपां दुनिया दे विच इस तरह रच मिच जाइए जिवें पानी दे विच जदों पानी मिलदा इक मूरत हो जांदे ने, पता नहीं लगदा वी किहड़ा पहलां पानी सी जां किहड़ा बाद दे विच। कहिंदे सानूं भी समाज दे विच, सोसाइटी दे विच, देश दे विच इसे तरह ही रच मिच के रहना चाहिंदा है। खिड़े गुलाब चमन विच भावें गंध फैले चौं पासे, जेड़े चित उदासे होवन ओह वी जान हुलासे। कहिंदे गुलाब दा फुल है भावें दी अपने चमन दे विच खिड़दा, अपने विहड़े दे विच खिड़े, अपनी क्यारी दे विच खिड़दा होवे, पर उहदी जिहड़ी सुगंध है, चंगी खुशबू है, वह चारे पासे फैलदी है। ये जो सुगंध है ये चारे पासे फैलदी है। जिहड़े चित उदासे होवन, जिहड़े व्यक्ति उदासे हुंदे ने, मन दे विच उदासी हुंदी है, वह भी इहदे नाल इहदी सुगंध दे नाल हुलासे जांदे ने, खुश हो जांदे ने, प्रसन्नता प्राप्त करदे ने। की कंडे की पत्तियां भोरे, की माली की डाली, सबना नू खुशबोई बंडे सबना नू खुशहाली। तो प्यारे विद्यार्थियों तुहानू दस देना चाहुंदा कि ये जो सत्रां मैं हुण रीड कीतियां ने, पढ़ियां ने, ये पेपर दे विच पुछियां गईयां सी कि ये सत्रां किस कविता दे विचों लईयां गईयां ने जां किस कवि दी रचना ने। तो पूरी दी पूरी कविता नू वी तुसीं ध्यान दे नाल पढ़ना है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टैसट दे विच ये सत्रां दे के पुछया गया सी कि सत्रां दा संबंध किस कवि दे नाल है जां किस कविता दे नाल है। तो ये अगे कवि दस रहा, कहिंदा की कंडे की पत्तियां भोरे, की माली की डाली, सभना नू खुशबोई वंडे सभना नू खुशहाली। कहिंदे सारियां चीज़ां ने जो खुशबोई वंडदियां ने सारियां नू ही खुशहाली दिंदियां ने। अगन बराबर तपदे जीआं नू चुम्मन जिहे दिलासे, साफ नरोए लिशलिश करदे कलियां वर्गे हासे। कहिंदे जिहड़े भट्ठी दे विच तपदे जी ने, जिहड़े दुखी जीव ने, ठीक है जी, उन्हां नूं दिलासे दिंदे ने, साफ नरोए लिशलिश करदे कलियां वर्गे हासे। ये जिहड़े कलियां वर्गे हासे ने, जिवें कली खिड़दी है तां खुश होंदे हां असीं, कहिंदे उसे तरह जिहड़े हासे ने
ठीक है जी। ये अग्नी दे विच तपदे जीआं नूं भी हौसला दिंदे ने, उहनां दे विच भी जोश पैदा करदे ने। लै जाए अपने नाल सुगंधी तरल सरां दा पानी, ना कोई मुल ना इवजाना ना कोई मंग निमानी। अगलियां सत्रां दे विच कवि दस रहा कहिंदे जिहड़ी सुगंधी है ये तरल सरां दा पानी लै जांदी है, सरां दा पानी अपने नाल लै जांदी है, इहदा कोई मुल नहीं हैगा, कोई इवज नहीं देनी पैंदी इहदे लई, ते ना कोई मंग है जो निमानी है। इस करके सानू सारियां नूं देश की भलाई दे लई सोचना चाहिए, जो सोन है सो जग नूं दसीए, जिहड़ी चीज़ सानू वधिया लग रही है वो सानू पूरी दुनिया नूं दसनी चाहिए है, जो चंगी चीज़ है उहनूं वंडना चाहिए, हर कोई सानू अपना लगना चाहिए। तो इदा रही आपां, इदा ही विचरीए, इदा ही अपना जीवन बतीत करिए। जद खुशबू दा कदे इहो आकार जिहा टुट जावे, उसे वेले तरल सुगंधी हर बूटे बस पजावे। कहिंदे खुशबू है जिहड़ी इहदा कदे इहो जिहा आकार जदों टुट जावे, उसे वेले इह तरल सुगंधी हर बूटे दे विच बस जांदी है। भाव जे असीं खुश रहांगे तां ही असीं अपने नाल वाले नूं खुश रख सकदे हां। तां कवि अपने समकालियां नूं सद्दा दे रहा है कि सानू दुनिया दे विच घुल मिल के रहना चाहिए, दुनिया नूं इक मिक करन दा जिहड़ा सानू टीचा वो मिथना चाहिए है। इहो जिहियां ही रचनावां ने जिहदे नाल असीं दुनिया दे विच प्यार पैदा कर सकदे हां, वो लिखनियां चाहीदियां ने। सुगंधी है जिहड़ी उह हर बूटे दे विच वसनी चाहीदी है। इस प्यारे विद्यार्थियों अज दी रचना कवि दा नाम है चत्तर सिंह तारा सिंह कामल समकालियां नूं। अगली वीडियो दे विच किसी होर कवि दे बारे जानकारी लेके आवांगे। चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो, दोस्तां दे नाल शेयर करो।